अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इल्म की दुनिया और मैं आज आपको बताने लगा हूँ टेंथ के मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसे देखें, इल्म की दुनिया की वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन 2020 के नेम से मैथमेटिक्स की आपके पास एक वीडियो अवेलेबल होगी, वो आप देखें। इंशाल्लाह वो रेडी करें, आपका जो है ना वो पूरा का पूरा पेपर इंशाल्लाह उसी में से आएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में हमारे जो रिपीट होते रहे हैं, ठीक है, उनको देखते हुए एक पैटर्न होता है हमारे पास पेपर बनाने का कि लास्ट जो हमारा ईयर होता है उससे पेपर डिफरेंट होता है लेकिन उसी ही मेथड के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, लिखवाता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास हैं एक्सरसाइज 1 पॉइंट। मैं एक्सरसाइज वाइज आपको लिखवाऊंगा क्वेश्चन बेटा। एक्सरसाइज आपके पास है 1.1 और इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है कंप्लीटिंग्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। अगर 1.1 में से क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपके पास है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 to 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 to 16 ये आपके पास क्वेश्चन है। देन आपके पास ये दो ही आपके पास, ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक पार्ट ये है और एक आपके पास पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 3 to 16 1.3 का, ठीक है। तो आपके पास दोनों लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह, फर्स्ट टाइम का भी और सेकंड टाइम का भी, दोनों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इसमें से आ जाएगा। अब सेकेंड की तरफ आते हैं हम, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, 6, 7 and 8, ठीक है, 5, 6, 7 and 8। चार क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं और 13 क्वेश्चन यहाँ बताए हैं और एक पार्ट आपका ये पार्ट आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन है, तो आपको पूरा चैप्टर करने की बजाय अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 and 5, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलरली एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ठीक है। ये हमारे पास जो सेकेंड चैप्टर है उसमें से मैंने आपको ये बता दिए कि ये वाले क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन ये हैं, 2 क्वेश्चन ये हैं, 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं पूरे यूनिट 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज आपके पास 3.4 क्वेश्चन नंबर टू, इसके कुछ पार्ट हैं ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें से कोई भी आपने ये नहीं, फोर पार्ट एक मेथड से होंगे तो उसमें आपने ये नहीं करना कि हम एक ही मेथड के कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन से, ये आपने फोर पार्ट दोनों करनी। और एक्सरसाइज आपके पास 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 का भी क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज 3.4 का भी क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। देन हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, ठीक है। इसके साथ आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लें, ठीक है। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 हैं जिसमें हमने ए ओवर बी, सी ओवर डी और ई ओवर एफ को प्रूफ करना है, वो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर, अब ये फोर्थ चैप्टर के लॉन्ग आपको मैं लिखवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.2 आपने कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 4.2, ठीक है, उसका आपने करना है। अच्छा, ये आपके पास फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन में से आपके पास एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3, ठीक है।
एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में से एक्सरसाइज 4.2 का भी आपने करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 4.3 का भी आपने करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, चार पार्ट इस एक्सरसाइज के आपने करने हैं और टू पार्ट आपने इस एक्सरसाइज के करने। एक क्वेश्चन इसमें है 1/(x³+1) का, ठीक है, 1/(x³+1) का ये क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखना है अच्छे से कि ये क्वेश्चन आपके पास, आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन हम आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर ओनली 3। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको इसमें बताए हैं 2 एंड 1 3 क्वेश्चन। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का आपका पेपर इसी में से आएगा। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9, 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 9, और एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, एक्सरसाइज 6.3 इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन 6 to 10, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 to 10, और एक्सरसाइज 7.4 में से आपके पास 15, इसमें कंजेक्टिव नहीं है इसलिए मैं आपको नंबर लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 7.4 में से 15, 18, 19, 20, 23 and 24। ठीक है, और जो यूनिट नंबर 13 है उसमें एक्सरसाइज 13.2 का, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास होगा 8 एंड 9, और एक्सरसाइज 13.3 इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 में से आपके पास लॉन्ग आता है या आपके पास आता है एक्सरसाइज 13.2 में से, और मोस्टली आपके पास एक्सरसाइज 13.3 में से आता है, ये आपने कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज अगर आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का पार्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। अच्छा, उसके बाद आपने जो थ्योरम्स करने हैं वो करने हैं यूनिट नंबर 9 एंड 12 के, थ्योरम्स आपने करने हैं यूनिट नंबर 9 एंड 12 के। अगर आप नहीं कर सकते दो चैप्टर के थ्योरम तो आप एक चैप्टर के थ्योरम कर लें, यूनिट नंबर 9 के थ्योरम कर लें, ठीक है, या किसके कर लें, यूनिट नंबर 12 के थ्योरम कर लें। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको सारे जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो मोस्टली जो आपके एक्सपेक्टेड हैं 2020 के क्वेश्चन में पास्ट पेपर को देखते हुए वो मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत कम मिनिमाइज करके इसमें मैंने आपको बताया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आपका इंशाल्लाह इन्हीं पार्ट्स में से आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारे ये एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 to 13, मैंने आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इनकी आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसी तरह की मोस्ट वीडियोज़ आप देखते रहिए और हमारा जो चैनल है वो विज़िट करते रहिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।